दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव भारत में शुरू हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से तीसरी बार प्रत्याशी चुने गए हैं और हम लोग सीर गोवर्धन इलाके में हैं, जहां पे प्रधानमंत्री लगातार जो रविदास मंदिर आते हैं, मत्था टेकते हैं, यहां के लोगों से जानते हैं कि तीसरी बार वो क्या माहौल देख रहे हैं। क्या लगता है इस बार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बम्पर रोड से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जिताया जाएगा और जीत भी रहे हम लोग। भौजी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से माहौल एक बना हुआ है पूरा, वही है ना, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस समय माननीय मोदी जी के सामने कोई भी ऐसा प्रत्याशी है ही नहीं जो खड़ा होकर कहे कि हम उम्मीदवार हैं। इसलिए जहाँ भी भारत के किसी भी कोने में आप जाएंगे, भाजपा एक बम्पर वोटों से जीत रही है और उनका लक्ष्य 400 है। हमें उम्मीद है कि 425 सीटों से वह विजयी होंगे। ये काशी की जनता, कहा जाता है कि काशी जो है फकड़ों की नगरी है, इनका कहना है क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या भैया, क्या लगता है? मोदी जी के सामने तो इस समय कोई नहीं है। जहाँ से आवाज़ आती है कि हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और बम्पर वोटों से ही बनेंगे, यही आवाज़ आती है हर तरह से। हम एक छोटे से दुकानदार हैं, लोग आते हैं तो यही बात करते हैं हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से दुकानदार हैं लेकिन इनका कहना आएंगे तो मोदी। क्या लगता है, गारंटी है मोदी की? एकदम गारंटी है, 100% गारंटी है। अगर उस परसेंटेज को बढ़ाया तो 200% गारंटी है कि मोदी जी आएंगे। और जो उनका नारा है 400 पार, तो वो हर जगह सही दिखता नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं कार्यकर्ता होने के नाते? इस बार यहाँ से क्षेत्रीय जनता इस बार ऐतिहासिक वोट पड़े। 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, पर 2024 में ऐतिहासिक वोट पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व में भारत का एक इतना डंका बजेगा कि आप लोग भी कहेंगे कि नहीं, हम लोग की गर्व की बात है। क्या माहौल है बनारस का? बनारस का मिजाज तो एकदम गर्मा गर्म है। यहाँ सीर गोवर्धनपुर में जो है विकास की गंगा बह रही है और मोदी जी ने जो रोजगार के साधन सड़क वड़क जो बनवा दिया है, ये रोड का इतना बढ़िया विकास हो रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारी सरकार तो है, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं, अपने हम मोदी जी को भी ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा शिक्षा के मामले में और विकास करना हम लोग को ज़रूरी है और थोड़ा रोजगार की ज़रूरत है। हम लोग अब पहल करेंगे इसके लिए। बाकी रूप में तो हमारी सरकार एकदम लबालब विकास कर रही है और हम लोग अब की बार 400 के पार जरूर आएंगे। ये थी काशी की जनता और हम लोग सीर गोवर्धन इलाके में थे और इनका कहना है कि जो मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। इसलिए जो आने वाले समय में ये जनता अपने मन में डिसाइड करके रखी है कि सत्ता की सियासत में गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। अमित मुखर्जी, प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।